आप जानना चाहते हैं कि अपने फ़ोन से एक YouTube वीडियो के लिए थंबनेल कैसे क्रिएट किया जाए, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए थंबनेल को आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब ऐप। आपको आसानी से मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, वहाँ से जाइए, आप डाउनलोड कीजिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी पिक्सल लैब, ठीक है। इस एप्लीकेशन के अंदर जाना है आपको, और यहाँ से जाने के बाद आपको यहाँ पर एक रेशियो चूज करना है। रेशियो चूज करके उसके बाद क्या करना है, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। इमेज साइज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन चूज करना है किस चीज़ के लिए आप एक थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं, बैनर क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं अभी यूट्यूब के लिए एक थंबनेल बनाना चाहता हूँ, यूट्यूब के लिए चूज किया, ओके करना है। अब ओके करने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड आपको लेना है, ठीक है। अगर आप डाउनलोड कर रखे हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप यहीं से बैकग्राउंड जनरेट कर सकते हैं। मैं ऐसे बैकग्राउंड जनरेट कर रहा हूँ, तो आपको बैकग्राउंड जनरेट करने के लिए सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे जब आते हैं तो कलर है, ठीक है, कलर वाले ऑप्शन पे आइए। कलर वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा कई सारे ऐसे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से प्लस के ऑप्शन पे आना है। आप ये भी चूज कर सकते हैं कि कैसे आप वो चीज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आने के बाद ओके करता हूँ, ये बैकग्राउंड ले लिया। आप कोई सा बैकग्राउंड ले सकते हैं अपने हिसाब से, बस मैं आपको बताता हूँ तरीका कैसे आप एक थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं अच्छा वाला, ठीक है। अब ये मैं बैकग्राउंड ले लिया, इसे लॉक कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसे लॉक कर दे रहा हूँ। अब लॉक करने के बाद यहाँ पे सही करना। अब आपको क्या करना है कि टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए आपको इस प्लस के आइकन पे आना है, और यहाँ पे टेक्स्ट है, ठीक है, इस पर डबल टाइप करना है। डबल टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे कट करना है, जैसा कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपका जिस टाइप का वीडियो होगा वो आप थंबनेल जिस टाइप को बनाना चाहते हैं, थंबनेल में जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। बट मैं अभी एक सिंपली आपको तरीका बताऊंगा कैसे आपको थंबनेल क्रिएट करना है, इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ अपना, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख दिया। अब यहाँ से क्या करना है कि आपको यहाँ से लेना है, अब यहाँ से आप साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, साइज यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन पे आना है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, साइज यहाँ वाला टी है, साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, मैं ये साइज रख ले रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए सेटिंग कर दे रहा हूँ अच्छे से, उसके बाद यहाँ पर सही कर दे रहा हूँ। सही करने के बाद कलर चूज करता हूँ। कलर चूज करने के लिए आपको कई सारा ऑप्शन मिल जाएगा, अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हैं आप, ओके। तो मैं कलर चूज कर ले रहा हूँ, ये कलर चूज किया हूँ, ओके। अब इसको एक फ्रंट चूज करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है, इसे फ्रंट अच्छा लगेगा जब ही, ठीक है ना। फ्रंट मैं ले लिया ये, ठीक है, फ्रंट। अब लेने के बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है, बड़ा कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ फॉर्म लिख दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली टाइप करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, ठीक है, फिर से इस पर आपको डबल टाइप करना है। यहाँ पे अगर आप अगला कुछ भी लिखना चाहते हैं तो जैसा आपको ज़्यादा अभी इसमें काम नहीं करना पड़ेगा, जितना आप अगले वाले टेक्स्ट में काम किए थे, जो भी लिखते हैं सेम उसी तरीके का टेक्स्ट उसमें बन के आ जाएगा। आप अगर चाहते हैं और मॉडिफाई करना और कर सकते हैं, मैं सिंपली तरीका से बता रहा हूँ कैसे आप कर सकते हैं, ओके। तो उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फ्रॉम लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम बिहार, ठीक है, मैं अभी यहाँ बिहार लिख दिया। अब यहाँ से अगर नीचे लेना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ समस्तीपुर, मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है समस्तीपुर है, ठीक है। इसी को फिर से कॉपी करना है आपको, यहाँ पर फिर से भरना है समस्तीपुर, ओके। मैंने आप समस्तीपुर लिख दिया, अब यहाँ से क्या करना है, ओके करना है। अब यहाँ से आपको नीचे आना, ठीक है, अब यहाँ से ले लेना। और कई सारे ऑप्शन है, जैसा कि इस पर टाइप करते हैं, जिस भी आप टेक्स्ट को एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से नीचे आना, यहाँ पे साइड में आना, यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कलर देना चाहते हैं आप कलर दे सकते हैं, ठीक है। मैं वाइट वाला दे दे रहा हूँ, वाइट वाला अच्छा नहीं लग रहा है, मैं कोई सा भी कलर दे दे रहा हूँ। आप कोई सा भी कलर जो अच्छा लगे वो दे सकते हैं, अभी कलर नहीं दूंगा इस वाले बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड पे भी निर्भर करता है आप कैसा बैकग्राउंड रखना चाहते हैं। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सारे टेक्स्ट को लॉक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉक कर दे रहे हैं, अब क्या बारी आती है एक इमेज को चूज करना, इमेज यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, प्लस के आइकन पर आना है, आप यहाँ फ्रॉम गैलरी है, फ्रॉम गैलरी पर आना है। अब क्या करना है कि आपको गैलरी में जितने फ़ोटो होंगे सारे आ जाएंगे, अगर नहीं आते हैं इस पर नहीं आता है तो इस पर आपको टाइप करना है थ्री लाइन पे, और नीचे स्वाइप अप करेंगे तो उसमें आपको गैलरी नज़र आएगा, गैलरी पर टाइप करेंगे तो गैलरी सारा फोटो नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो चूज करता हूँ, ठीक है, मैं अभी इसका बैकग्राउंड रिमूव कर रखा हूँ। फ़ोटो इस साइड है तो आप इस साइड घुमा सकते हैं, इस साइड कर सकते हैं, आप जैसे मन वैसे कर सकते हैं, ओके। मैं इस साइड घुमा दे रहा हूँ,
अभी इसका साइज़ थोड़ा सा अच्छा से कट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसका साइज़ ले ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कितना अच्छा बन चुका है। तो आप भी अगर चाहते हैं इस तरीका का थंबनेल बनाना, तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और अच्छे से अगर आप नहीं सीखे हैं फिर से वीडियो देखना, और कई सारे यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं। और बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही बैकग्राउंड रिमूव किया जाए, अपने फ़ोटो के पीछे वाला जो बैकग्राउंड होता है उसे रिमूव किया जाए, तो एक वीडियो मैं लेके आऊँगा बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करना है, उस वीडियो में मैं बताऊँगा कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।